गलत चीज है। गिफ्ट आजा आजा ये पोते तो होगा जैसे मॉडिफिकेशन चला सकते हैं वैसे ही होपफुली आप सबसे अच्छे में सब। आज हमारे पापा के एनिवर्सरी और पापा उसी उपलक्ष्य पर मना रहे हैं स्कूल में पापा स्कूल बनाने में लगे हुए हैं। मम्मी यहाँ पे अपनी एनिवर्सरी की तैयारी करने में लगी हुई है। मम्मी चूड़ी और पहन रही है मस्त। तो शाम में मम्मी का केक वेक कटवाते हैं। इस रूम में आकर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि पापा और मैं कल मम्मी के लेके आएंगे सरप्राइज, क्योंकि मैंने यहाँ छुपा रखा है। मम्मी आ सकती है, ये भी दिखा देगा। निकल ले गए थे शाम में मम्मी और पापा। मम्मी को इस चीज़ की भनक तो लग चुकी है लेकिन मम्मी को पता नहीं है क्या लेके आए। तो शाम मम्मी को मिलेगा सरप्राइज। तो मैं मम्मी के लिए लेके आया हूँ कुछ, तो वो भी शाम में ही दिखाऊंगा क्या देने वाला हूँ मम्मी को। मैंने खेला और सीएम को बुला लिया, शाम में केक वेक कटवाते हैं। अपने दोस्तों को बुला लूँगा विक्की वगैरह को। तो शाम में बुलाते हैं मम्मी की एनिवर्सरी। मोहब्बत का शरबत मलाई वाला दूध है ना, इसलिए फुल के लिए मैं तो कह रहा हूँ इसमें गिलास में तो निकाल, एक और गिलास देना, कोई छोटे गिलास में दे दे इस वाले में। इसमें तो वो किस का इतना बड़ा पियानो है इसमें मत पी। रुको ना रुको रुको, ये अंग्रेज के बच्चे हैं तो कहाँ से आ रहा है। तो बस केक लेने भी जा रहा हूँ, फूड मंगवा। मैंने तो बता ही दिया गिफ्ट जो बन के रेडी है वो भी दिखाना है। और मोहब्बत के शरबत पीते हैं, उसके बाद देख के आते कि हमारे गिफ्ट रेडी किया है कि नहीं। उससे केक के लिए ऑर्डर देना पड़ेगा। ऑर्डर क्या लेके आ जाएगा सर, बना बना कैसा है। बस मम्मी ने मैं भी सोच चुकी है, मम्मी ने हम ब्लॉग में बना दिए। मैं भी बहुत टाइम बाद मैं भी खा जाएंगे, खाते हैं फिर चलते हैं। तो चलते हैं देखते हैं हमारा गिफ्ट रेडी हुआ है कि नहीं। तो सरप्राइज देने वाले हैं, दिखाई देता हूँ आपको सरप्राइज। ये फोटो फ्रेम बनाए पापा यही देंगे, इसको पैक करवा देते हैं। पैक के ऐसे न्यूज़ पेपर से रख के गिफ्ट पैक करवा दो ना, गिफ्ट पैक मस्त अच्छे से दे दो तो मज़ा तू सही इसका तो काम यही सब कर लो। ये इसको पत्ता मत करने देता। मैं तो वो फ्रेम ले आया था लेकिन मैं छुपाता कहाँ, इसलिए मैंने ऊपर किराएदार के रूम में छुपा दिया। और जब केक वेक कटने वाला हो उस टाइम पे लेके आऊँगा, तब देखने मम्मी का सरप्राइज। मम्मी को आज दो सरप्राइज मिलने वाले हैं, एक तो जो पापा लेके आए तनिष वो, और एक मेरा वाला सस्ता केक भी ले ही आते हैं, फ्रिज में रख देंगे, फिर बाद में जाने की झंझट नहीं होगी। अभी केक लेके आते हैं। कितने बन गए और कोई भी नहीं आएगा, बस हमें आए थे केक लेने के लिए। केक ले लिया येलो वाला, चलते हैं। बन रहा था लेकिन खाने के लिए इनको रुका नहीं गया, ये कह रहे अभी टिक्की खा के आएंगे, चलते हम भी खाई लेते हैं। बैठी गंगा में हाथ दोनों किसको बुला लगता है। और केक का ही था मम्मी को, मैंने बोला केक काट के, मम्मी कह रही थी थोड़ी देर बाद अभी सब्जी बनने वाली है, मम्मी को काम भी करना पड़ता है ना आज। ये है भी नहीं ना चप्पल पहन के भी चले गए, टॉप पहन के जाऊँ। सुबह केक काटने दे रहे और एक चीज़ दिखाता हूँ, आज एनिवर्सरी है तो पापा मदद कर रहे हैं मम्मी की खाना बनाने। तो आज खाने बन रहा है चाप और मटर पनीर। आप पापा बना रही हो तो पापा मस्ती बनाते हैं सब्जी। खाना बनने के बाद काटोगे केक? नहीं।
चलो गाइस कटवाते हैं अब केक लेके चलते हैं। मम्मी के पापा रेडी हो चुके हैं। मम्मी चलो बस कट करवाते केक। कलची है अभी नहीं जलेगा। ओ मत कर सही में हाथ पड़ जाएगा। ये खराब चीज लाया हो। ताली तो बजाओ कुछ तो करो। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी 26th एनिवर्सरी। शादी के 26 साल मुबारक हो। मामा कंफ्यूज हो गए। भाई गिफ्ट तो ले जाओ जो ऊपर छुपा रखा है। सो गाइस मम्मी का गिफ्ट आ जा। ये सही है। मेरा गिफ्ट ले गई इस वाले रूम में वो फर्स्ट फ्लोर पे इस वाले रूम में। तुम लोग यही कल डायमंड और डायमंड रेडी। कल बाप बेटा भी यही काम करेगा। सो गाइस मेरा भी अभी गिफ्ट लेके आ रहा है। सही हम उसके बाद देते हैं। हम तो भाई गरीब आदमी हैं। बेकार चीज़ है ये सब नहीं जलाना चाहिए। मामा का रिएक्शन देखो। मम्मी को बड़ा पसंद आया। मामा बोले मैंने गिफ्ट दिया तूने क्यों दिया। अरे मेरे गिफ्ट में पानी फेर दिया। बताता हूँ अभी रुक कैमरा बंद कर। अभी बताता हूँ इसका ये मस्त है ना। वही तो अच्छा लग रहा। कैसा लगा गिफ्ट? एक फोटो ले लेते हैं साथ में। इस कहानी में ट्विस्ट आ चुका है। मम्मी ने एक सरप्राइज लिया पापा के लिए जो कि लास्ट में रिवील किया। मम्मी को मिल ही नहीं रहा था बॉक्स। मम्मी ने इतनी गुप्त जगह पर छुपा दिया था। मम्मी ने भी रिवील किया। पुरानी अंगूठी ले गणेश जी वाला मस्त। द गिफ्ट सेरेमनी बाद में इधर। सो टाइम बहुत हो गया अब खाना खाते हैं। खाना बन चुका है मस्त। साइड है चॉप और यहाँ पे मटर पनीर। सो खाना खाते हैं। सो गाइस खाना पीना खा के हम आ गए हैं ऊपर अपने रूम में और आप सोते हैं। निकल तो पहली सोच नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। बेड पे कितने हो जाएंगे? तीन ये पता मैं उधर चला जाऊँगा। मैं तो सो गाइस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। होगा आप सभी को वीडियो पसंद आई। कोई वीडियो पसंद आई तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और क्या करना है मेरे इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब कमेंट करने पहले तो बहुत सारे कमेंट नहीं करते आप लोग। कमेंट करें। बाय गाइस लव यू ऑल।
में ऐसे थे ऐसे जी अब चाहे जिंदगी ऐसे जी अब चाहे जिंदगी है।